जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज गजेंद्र कुमार गोस्वामी फ्रॉम यूनिक ब्रेन स्टडी चैनल। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर पॉलीनोमियल ऑफ क्लास 10th, चैप्टर 2, एक्सरसाइज 2.2। तो हम चल रहे हैं कि एक्सरसाइज 2.2 देख रहे हैं पॉलीनोमियल की, क्लास 10th की एक्सरसाइज। इसमें दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट। तो इसमें इसका एक फॉर्मूला होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। जितना किसी भी इक्वेशन में डिग्री होगी, जैसे इसमें दो है तो उतना ही जीरो होगा, उस इक्वेशन का जीरो होगा। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। अभी हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करते हैं। मिड वाला जो बीच वाला है सारे इसके फैक्टर करेंगे। पहले इनको आप मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा 8x आता है। तो 8x को हम बाहर साइड में ले आते हैं, 8 के आप ऐसे भाग करें, काटे 2 2 4 2 4 8, 2 2, 8 से कट गया। यानी हम ऐसे भाग करें कि इंटू करने से 8 आए और डिफरेंस 2 आए, डिफरेंस इसका 2 आए। हाँ ये क्या है, प्लस 2x है, 8 माइनस, ये माइनस 2x है, माइनस 2x। तो हम ऐसा इसका फैक्टर करें कि इंटू करने से 8 आए और रिजल्टेंट 2x आए। तो देखिए 2 4 8, यदि हम ये ले लेते हैं तो हमारा लास्ट में क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने से 8 आएगा। तो इसको करते हैं, देखते हैं हम एक्स स्क्वायर पहले के लिए रहने दें, इसके बाद करें आप प्लस 2x माइनस 4x, क्योंकि तो इसका जब इसमें इंटू करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 2x आएगा, माइनस 8 इज इक्वल टू 0, माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अभी देखिए इसमें हम x कॉमन ले लेते हैं, x यहां भी है दोनों में है, तो x कॉमन ले लिया तो क्या बचा, यहां एक x बचा प्लस ये x खत्म हो गया, 2 रह गया। इसमें से हम क्या हो सकता है कॉमन, यहां पर 4 है यहां भी 4, तो माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं, माइनस 4 कॉमन लेने से क्या बचा, x ये माइनस है ये माइनस है तो क्या बच गया, प्लस 2 बराबर 0। इसके दो भाग कर लीजिए तो ये आपका एक आया इक्वेशन x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और ये x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अभी देखें आप, तो यहां पर x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होगा, ये माइनस वाला चला जाएगा तो x बराबर होगा 4, 0 की जगह चला गया 4,
तो ये क्या हो गया माइनस वाला प्लस का हो गया। इधर देखें x इज इक्वल टू क्या होगा, ये 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस 2। यह है अल्फा है और यह है बीटा, यह अल्फा है और यह है बीटा। तो अभी हम देखते हैं ये हमने 0 को मालूम कर लिया, यानी 2 0 मार्क आ गया हमारा, x का एक वैल्यू आया 4 और दूसरे का आया माइनस 2। अभी हमने करना क्या है, ये रिलेशनशिप दिखना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट और जीरो के बीच में हमने रिलेशनशिप देखना है। तो रिलेशनशिप के लिए इसमें क्या करेंगे, हम पहले निकालेंगे सम ऑफ द जीरो, सम ऑफ द जीरो निकालने के लिए इसका फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, सॉरी अभी कोएफिशिएंट में आप देखिए ये वाला क्या है, ए है एक्स का, ए का वैल्यू कितना है 1, ये बी है बी एक्स है, ये बी का वैल्यू कितना है माइनस 2 और ये सी है इसका कितना है 8। तो इसकी वैल्यू रखते हैं अभी हम, अल्फा कितना है 4 प्लस बीटा कितना है माइनस 2, माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हुआ माइनस बी कोएफिशिएंट क्या है माइनस 2, माइनस 2 ए का क्या है 1। तो अभी ये आपका 4 प्लस का है और ये किसका है माइनस का, कितना बच गया 2। 2 बराबर कितना होगा, यहां पर देखिए माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, 1 का कोई मतलब नहीं है, तो कितना हो गया 2:2 यानी बराबर हो गया, दोनों इक्वल हो गए। तो एक ये सम आ गया। अभी हम देखते हैं जीरो का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट में क्या है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए में हम वैल्यू रखते हैं अल्फा की वैल्यू क्या है 4 इंटू बीटा की क्या है माइनस 2 इज इक्वल टू क्या होगा, ये देखिए सी की कितना है माइनस 8, माइनस 8 ए की क्या है 1। तो अभी इस माइनस 2 का हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 1 आएगा, माइनस 8 इक्वल टू क्या है 1 का कोई मतलब नहीं है, माइनस 8 इक्वल टू 8 दोनों क्या हो गया इक्वल हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट। अभी हम देख रहे हैं दूसरा, दूसरा पार्ट देखते हैं 4s² - 4s + 1, ये दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें देखते हैं हम फिर उसी तरह से इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और बीच वाली राशि का फैक्टर बनाएंगे, बीच वाली राशि क्या करेंगे फैक्टर बनाएंगे। तो इसका इसमें क्या गया है 1 में किया था तो 4s आ गया, 4 हो गया, तो इसका 4 का हम ऐसे काटते हैं 2 2 4 2 और
तो निशान आपका क्या है, ये माइनस का है, माइनस का निशान आना चाहिए। ऐसा करेंगे हम फैक्टर कि टोटल कितना है, चार आए, लेकिन रिजल्टेंट क्या मिले आपको, माइनस फोर मिलना चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, फोर एस को फोर एस की जगह रख दो, फोर एस स्क्वायर माइनस टू एक्स, माइनस टू एक्स एस है भैया, एस माइनस टू एस प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, जीरो ले लेते हैं इक्वेशन के मुताबिक। अब इसमें कॉमन देखिए, इसमें कॉमन क्या है, टू एस कॉमन है, यहां पे टू एस है, यहां पे टू एस है, टू एस इसमें से कॉमन ले लिया, तो क्या बचा आपका, टू एस माइनस वन, टू एस माइनस वन बचा। अभी इसमें क्या कॉमन हो सकता है, वन ले सकते हैं, तो हम माइनस वन कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचा है, टू एस यहां पर प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए दो इक्वेशन बन गया, टू एस माइनस वन और टू एस माइनस वन, यानी एक ही है, टू एस माइनस वन और टू एस माइनस वन बराबर कितना है, जीरो, जीरो लग गया। तो अभी 2s बराबर क्या होगा, ये 1 माइनस में तो यहां ना चला जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, और s इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई टू। सेम इसी तरह से 2s बराबर कितना हुआ, ये माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और s इक्वल टू होगा, एक है यहां ग्राम में है, तो ये क्या हो जाएगा, पावर में आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, एस बाई टू, एस वन बाई टू। अभी हम देखते हैं सम ऑफ द जीरो, सम ऑफ द जीरो, सॉरी सम ऑफ द जीरो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी कोफिशिएंट और बटे ए डिवाइड ए, इसकी वैल्यू रखते हैं हम, यह वाला अल्फा है और ये क्या है, बीटा है, अल्फा क्या है 1 बाई टू प्लस बीटा क्या है 1 बाई टू इज इक्वल टू क्या है माइनस, और बीटा की वैल्यू क्या है माइनस दो, बीटा क्या है माइनस चार, माइनस फोर, अल्फा क्या है आपका फोर, ए क्या है आपका फोर। तो देखिए वन बाई टू और वन बाई टू कितना हो गया, वन, यानी आधा और आधा मिला के वन हो गया, इसका आप एलसीएम भी ले सकते हैं, वन आया, ये माइनस है, ये माइनस है, कितना हो गया प्लस हो गया, प्लस फोर बाई फोर कट गया, क्या आया वन, यानी वन इज इक्वल टू वन, दोनों इक्वल हो गए, यानी इनका रिलेशन ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो के लिए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा की वैल्यू क्या है 1 बाई टू इंटू 1 बाई टू बराबर सी की वैल्यू क्या है आपकी, सी की वैल्यू क्या है एक, एक, और ए की वैल्यू क्या है चार। चले करें इसको, वन का वन बाई टू क्या वन हो गया, टू का टू बाई टू क्या फोर, वन बाई फोर हो गया ये, और ये वन बाई फोर है, इसका मतलब दोनों इक्वल हो गए,
तो ये थे एक्सरसाइज 1 का, नहीं सॉरी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं। ओके, अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या क्या हुआ है, -3 -7x। इसको पहले हम एक इक्वेशन के रूप में ले लेते हैं, x वाला साइड में खिसका लेते हैं, 6x² - 7x - 3 = 0। तो अब इसमें देख रहे हैं जो इक्वेशन हमारी x² + bx + c s का क्या वैल्यू है, कोएफिशिएंट 6 और b का कोएफिशिएंट b क्या है, कोएफिशिएंट c और 7 और c क्या है आपका 3 कांस्टेंट। तो ऑप्शन निकालते हैं, यानी इसका सेम उसी तरह से हम क्या करेंगे, आपस में इन दोनों की गुणा करते हैं यानी इनटू करते हैं। तो कितना होगा, 6 18 हो गया। 18 का पोटेंशियल लेकर देखें, यानी 2 और 9 है, और हमने ऐसा करना है कि इसका रिजल्टेंट क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। इसको अगर निकाल सकते हैं 3 3, ठीक है, रिजल्टेंट कितना आना चाहिए आपका, 7 आना चाहिए। तो इसके लिए हमको इतना ही काफी है। तो देखिए 6x² ऐसे कर दीजिए और यहां करें +2x - 9x - 3 = 0। यानी इसमें से जब घटाएंगे हम इसको तो कितना हो जाएगा, -7x रह जाएगा। तो इसमें कॉमन लेते हैं, देखें इसमें x भी है, इसमें भी x है, तो 2x यहां पर है, तो 2x हम कॉमन ले लेते हैं। 2x हमने कॉमन लिया तो क्या बचा है, यहां 2 + 6 = 3x + 1। 3x + 1, और अभी हम देखते हैं इसमें क्या कॉमन मिल जाएगा, आपको 3 मिल जाएगा, -3 कॉमन ले लिया हमने, तो क्या 3 × 9 है, 3x बचा और यहां क्या आ गया, माइनस है तो ये प्लस हो गया = 0। तो अभी आपकी इक्वेशन बन चुकी है 2। पहले इक्वेशन क्या है, 2x - 3 और 3x + 1, तो 2x - 3 = 0 और 3x + 1 = 0। तो आप इसको देखिए, इसके अंदर x बराबर क्या होगा, 2x = क्या होगा, ये माइनस का 3 है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 3, और x = क्या होगा, 3/2। इसी तरह से यहां पर 3x = क्या हो गया, ये हो गया माइनस का 1 आ गया, 1 + का है तो यहां क्या हो गया, माइनस का 1 हो गया, और x = क्या होगा, -1/3। तो आपकी ये 0 वैल्यू निकल चुकी है, यानी 2 0 आ चुकी है, जिसमें x की वैल्यू क्या आई है, एक की आई है 3/2 और दूसरी की आई है -1/3। अभी इसका हम क्या करते हैं, पहले निकालते हैं सम ऑफ द 0। फॉर्मूला क्या है, α + β = -b/a कोफिशिएंट। तो इसके लिए आप देखें
वैल्यू की इसकी 3 बाई 2 प्लस माइनस 1 बाई 3 इजिकल टू कितना होगा, माइनस बी का कितना है, माइनस बी का कितना है, देखें 7। क्या ये 7, तो क्या लगा दें हम, माइनस बी का माइनस और माइनस 7 लगा दें, और ए का कितना है 6, ए का कितना है 6। इसका एलसीएम लीजिए कितना आएगा, 6 आएगा, 3 बार गया, 3 किया 9 हो गया, प्लस क्या आया, ये 2 बार गया, 2 को इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 बार जाएगा, माइनस 2 इजिकल टू क्या हो गया, ये माइनस है, ये माइनस है, दोनों क्या हो गया मिलकर प्लस हो गया, 7/6 हो गया। अभी इसको देखिए, ये 9 में से 2 निकालेंगे हम तो क्या बच जाएगा, 7, और नीचे क्या है डिनोमिनेटर में 6, और यहां भी 7/6, इन्हें दोनों इक्वल हो गए। तो आपका सम ऑफ द जीरो निकल के आ गया। अभी हम देखिए प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सेम अल्फा बीटा इजिकल टू क्या होगा, सी अपॉन ए। वैल्यू रखते हैं इसकी, अल्फा की वैल्यू क्या है 3/2 3/2 इंटू क्या है ये बीटा की -1/3 इजिकल टू क्या है, सी की वैल्यू क्या है आपकी -3, ए की वैल्यू क्या है आपकी 6, अभी इसका अब देखें, इसका स्क्वायर इनटू करेंगे तो कितना हुआ -3, और ये इसका गुणा किया तो क्या हो गया 6 बराबर -3/6, बोथ आर इक्वल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2/2 का पार्ट 4। पार्ट 4 में क्या दिया हुआ है, 4s² + 4u² + 8u। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी इसमें कोएफिशिएंट नहीं है। देखें इसमें ए को दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, सी नहीं है इसमें, तो इसको क्या करेंगे हम, पहले इसको इसमें कॉमन ले लेते हैं, 4u कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचा, 1u बच गया प्लस 2 बच गया बराबर कर लेते हैं 0। तो यह आया हमारे पास में 4u इक्वल टू 0, एंड दूसरा आया हमारा 4u + 2 इक्वल टू 0। दो चीज आ गई, तो इसमें हम देखते हैं तो यहां u बराबर क्या होगा, u बराबर होगा 0/4, यानी इसको 0 कह सकते हैं हम, और यहां u बराबर क्या होगा -2, क्योंकि यहां प्लस में है तो यहां कट जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा। तो हम देखते हैं सम ऑफ द जीरो देखते देखेंगे, सम ऑफ द जीरो में ये अल्फा है और ये क्या है बीटा,
अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। इसकी वैल्यू रखते हैं हम, वैल्यू रखने में अल्फा की वैल्यू क्या है जीरो और बीटा की वैल्यू क्या है माइनस टू, बीटा क्या है माइनस टू इजिकल टू क्या होगा आपका माइनस की जगह माइनस कर दो और बी कोफिशिएंट कितना है आपका बी कोफिशिएंट क्या है एक। कितना है एट और ए क्या है आपका चार, काटिए दो आया तो इसका इस प्लस करेंगे क्या होगा माइनस टू इजिकल टू माइनस टू, तो ये दोनों इक्वल हो गए माइनस टू दोनों इक्वल हो गए। अभी देखते हैं हम प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो में फॉर्मूला आपका अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू सी अपॉन ए, वैल्यू रखिए अल्फा की वैल्यू जीरो इंटू बीटा क्या है माइनस टू बराबर सी क्या है आपकी सी है ही नहीं इसमें नहीं है तो क्या होगा जीरो और ए की क्या है आपकी फोर, ए की क्या है फोर। अभी माइनस टू का किसी भी राशि का किसी भी डिजिट का यदि हम जीरो में इंटू करें तो जीरो आएगा और ये जीरो बाई फोर है तो ये भी क्या है जीरो यानी बोथ आर इक्वल दोनों क्या है ये इक्वल हो गए। तो ये था पार्ट फोर 2.2 का, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो आगे चलते हैं। ओके तो हम चलते हैं 2.1 के क्वेश्चन के पार्ट्स 5 के ऊपर, पार्ट 5 में क्या है पी स्क्वायर माइनस 15 इजिकल टू जीरो, तो मैं 15 को उधर ले आता हूं पी स्क्वायर इजिकल टू क्या होगा प्लस का 15 हो जाएगा। अब स्क्वायर निकालने के लिए टी इजिकल टू क्या होगा अंडर रूट 15 यानी ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, तो आपको दो वैल्यू मिली टी इजिकल टू माइनस अंडर रूट 15 एंड टी इजिकल टू प्लस अंडर रूट 15, दो वैल्यू मिली। तो इसको हम अल्फा मान लेते हैं, इसको मानेंगे हम बीटा, तो हम देखते हैं सम ऑफ जीरो, देखते हैं सम ऑफ द जीरो में अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस बी अपॉन ए कोफिशिएंट, अल्फा की वैल्यू रखिए आप, अल्फा की वैल्यू क्या है आपका अंडर रूट 15, आप चाहे इसको अल्फा मान लें या इसको मान लें कोई बात नहीं, और इसमें प्लस क्या है आपका माइनस और प्लस क्या है आपका अंडर रूट 15 यानी बीटा अंडर रूट 15 है और अल्फा अंडर रूट 15 है। तो इसको देखेंगे ये बराबर क्या हुआ आपका
सी कितना आया आपका 15 दिया हुआ है, तो माइनस इक्वल रख दिया माइनस 15 क्योंकि माइनस निशान पहले लगा हुआ है और ए की वैल्यू क्या है आपकी 1 है। तो इनका आपस में हम क्या करते हैं जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, हाँ क्या मिलेगा हमको इसमें से, आप प्लस वाले में से माइनस घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0। और हाँ बी था सॉरी इसमें गलत हो गया, बी वाला आपका क्या है आपका माइनस बी वाला माइनस यहां पर बी है ही नहीं टी नहीं है। अब देखिए यहां पर यदि ये इक्वेशन होती टी स्क्वायर माइनस टी इजिकल टू 15 तो ये होता आपका बी और बी का इसमें है नहीं, यदि बी ओनली टी होता तो इसका कोएफिशिएंट होता 1 और टी नहीं है तो इसका क्या होगा कोएफिशिएंट 0 होगा, तो माइनस 0 और 0 और ए का क्या है आपका 1 है तो ये 0 होगा 0 इक्वल टू 0 तो ये दोनों क्या हो गया इक्वल हो गया, दोनों क्या हो गया इक्वल हो गया। अभी देखते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ 0 प्रोडक्ट ऑफ 0 प्रोडक्ट ऑफ 0 में आप देखिए अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू सी अपॉन ए, अल्फा की वैल्यू क्या है आपकी माइनस अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15 इजिकल टू सी की वैल्यू क्या है आपकी माइनस 15 ए की वैल्यू क्या है आपकी 1। इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे यानी प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस आएगा और अंडर रूट 15 अंडर रूट 15 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 15 आएगा और 15 किसका होगा माइनस और यहां पर कितना है माइनस 15 यानी दोनों मिलकर क्या हो गया इक्वल हो गया दोनों साइड बराबर है तो इसका मतलब प्रोडक्ट इसका 0 का प्रोडक्ट क्या है माइनस 15। तो ये हो गया फिफ्थ, हम देखते हैं सिक्स इसका छठा पार्ट, छठे पार्ट में देखने के लिए देखते हैं थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इजिकल टू 0 ये है छठा। तो इसमें हम उसी तरह से इसके इसका स्क्वायर टू बनेगा कितना हो गया 12 12 एक्स स्क्वायर हो गया 12 का एलसीएम ले लें क्या हुआ 2 छक्का 12 2 दिया 6 ठीक है। तो अब इसमें एलसीएम लेने के बाद में आप देखेंगे कि इसमें यदि मैं ऐसा हिस्सा करूं 12 इंटू 1 इसका मैं दिखा लू देखे 1 इंटू 12 12 हो जाएगा, इसके बाद में 2 इंटू 6 12 हो जाएगा, 3 इंटू 4 12 हो जाएगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए जनरेट यहां पर एक एक्स चाहिए, एक एक्स चाहिए तो एक एक्स के लिए
यदि इसको मैं ले लूं तो एक बच जाएगा, क्या बच जाएगा, एक बच जाएगा। तो देखते हैं इसमें 3x² + 3x मैं कर दूं और -4x कर देता हूं तो यहां पर क्या मिल जाएगा हमको, एक एक्स मिलेगा माइनस का। माइनस फोर में से यदि हम 3 घटाएंगे प्लस का तो क्या होगा, माइनस का एक एक्स बचेगा, -4 = 0। अभी इसमें कॉमन आ जाएगा, 3x कॉमन हो जाएगा, 3x कॉमन हो गया तो क्या बचा है, x बचा और प्लस 1 बच गया, x बचा और क्या बच गया, प्लस 1 बच गया। अभी इसमें आगे वाले देखें, -4 इसमें भी है और 4 है इसमें भी, तो मैं -4 ले लेता हूं कॉमन, तो यहां क्या बचा, x बचा, ये माइनस यहां रखते हैं, माइनस मैंने कॉमन लिया, यहां माइनस तो क्या हो गया, 1 = 0। तो हमको दो मिल चुकी है, 3x - 4 - 4 और इसको मैं 0 लिख दूं और x + 1 = 0, ये दो मिल चुके हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं यहां पर 3x = क्या होगा, ये माइनस उधर जाएगा तो 4 हो गया और ये x = क्या होगा, ये माइनस ये प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहां x बराबर क्या होगा, 4/3 और यहां x बराबर आपको क्या मिला, -1। तो ये हो गया आपका अल्फा और ये हो गया आपका बीटा। अभी इसको निकालेंगे हम सम और द प्रोडक्ट, सम निकालते हैं और उसके बाद में देखेंगे सम ऑफ द 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ द 0। सम ऑफ 0 देखते हैं हम, सम ऑफ द 0 में फॉर्मूला क्या है, α + β = -B/A। तो वैल्यू रखते हैं इसकी, वैल्यू रखिए इसकी अल्फा की 4/3 प्लस बीटा क्या है, -1/1 कर दें तो कोई बात नहीं। अभी आपका जो बी कोएफिशिएंट है, बी कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या है आपकी, -x है तो b की वैल्यू क्या होगी आपकी, 1 होगी। तो रखिए हम --1/A की क्या है आपकी, 3। इसका एक्सेल लीजिए कितना आएगा, 3 आएगा, कितना आया, 3, 3 से 3 कट गया तो क्या बचा आपका, 4 बचा और यहां निशान किसका है आपका, प्लस का, तो यहां क्या बचा आपका, 3 आ गया। बराबर कितना है, --+1/3। अभी इसमें से आप 4 में प्लस में से आप माइनस का 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1/3 आएगा और यहां पर 1/3 है तो ये क्या बराबर हो गया, यानी इसका सम बराबर। नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ 0 में लगाई फॉर्मूला α/β = C/A। इसमें वैल्यू रखते हैं हम अल्फा और बीटा की,
अल्फा की वैल्यू क्या है, 4 × 3 इंटू बीटा की क्या है -1। आपकी सी कितना है -4 -4 सी कितना है -4 तो ए कितना है आपका 3। तो देखें जब 4 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 4 आएगा क्योंकि ये माइनस का है तो ये माइनस हो जाएगा -4/3 इज इक्वल टू यहां पर कितना आ रहा है -4/3। तो ये इक्वल है, ये था एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, ये खत्म हो चुका है। अगले वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।